एक बार एक गांव में संतों की टोली पहुंची और एक सज्जन थे जो बड़े संत सेवी थे, तो वो बड़े महाराज के पास पहुंचे और थके होंगे, स्वामी जी पैदल चलने के जमाना था तो खूब पाँव दबा रहा था। एक घंटा हो रहा, बाबा जी उससे पूछे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम महाराज रामचरण है। कितने भाई हो? बोले महाराज चार भाई। अच्छा ठीक। बाबा जी चुप, पैर दबाता दबाता जब बाबा जी शांत हो गए तो वो धीरे से उठा जाने के लिए। फिर स्वामी जी ने पूछा, हाँ क्या बता रहे थे भाई, कितने भाई हो? बोले महाराज चार भाई। लगा फिर दबाने की सलाह कर जाऊं, फिर दबाते दबाते आधा घंटे के बाद उठा तो बाबा जी ने पूछा कि भैया क्या बता रहे थे, कितने भाई हो? बोले तीन भाई। बोले अभी तो तुम कह रहे थे कि चार भाई। बोले बाबा जी चौथा बचेगा तब ना, चौथा बचेगा तब ना चार भाई। बड़ा मुश्किल है सेवा, सेवक सुख चमान भिखारी और वैष्णी धन शुभ गति में विचारी। सेवक संसारिक सुख को चाहे गलत है, उसके धर्म के विरुद्ध है। सेवक का धर्म तो केवल सेवा करना है। सेवक सुख चमान भिखारी, दर बदर मांगने वाला और कहे कि मैं पहुंचू तो मेरे को फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाए, नहीं मिलेगा। सेवक सुख चमान भिखारी व्यसनी धन, बुरा व्यसन जुआ शराब वाला आदमी चाहे कि मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए, कभी नहीं होगा। जुआ में दो पक्ष होता है, एक जीतता है एक हारता है, दोनों में से। लेकिन जो जीत गया वो मालामाल हो गया, आबाद हो गया, नहीं बर्बाद हो गया जीतने वाला भी। दुर्योधन का इतिहास सामने है, जीतने वाला बुरी तरह से मरता है। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी और व्यभिचारी आचरण भ्रष्ट, चाहे कि मुझे शुभ गति मिले, कभी नहीं। श्री राम जय राम। ये सेवक धर्म है। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा रामायण तेरे को पढ़ते पढ़ते तू अलग पढ़ता है, एक काम कर, रामायण लेके बैठ। सच्ची आपके बताऊं विनोद की बात है, उस जमाने में घर में पंखे लगते थे तीन चार फुट लंबा और रस्सी से खींचा जाता था, आपने देखा है कि नहीं? तो गुरु जी ने कहा वहां बैठ जाओ और रामायण पढ़ता रहा और ये रस्सी खींचता रहा। तो मैं उसमें भी हेरा फेरी कर जाऊं, डबल ड्यूटी थे, हाथ चल रहा लेकिन आवाज चुप। बोले बाल योगी। हाँ महाराज। फिर शुरू हो जाता था। तो फिर एक बार उन्होंने कहा, मेरे बड़े बड़े बाल थे और मेरी चुटिया थी ना चुटिया, उसको लेकर के एक रस्सी से बांध दिया और वो जहां आराम करते थे उन्होंने वो डोर अपने पास रखा हुआ है। मैं जानता था कि मेरी चुटिया वहां है। सिखा तो पढ़ते पढ़ते जब मैं तो जैसे यू हो तो वहां यू हो, और इस तरह से जब 11 बज जाए तो बोले कि देखो तुम रो चाहे हंसो, तुम्हारा कोर्स तुमको पूरा करना है। कर्माणि बंधनी मनुष्य लोके, संकल्प करोगे कि बिना मैं रामायण का पारायण किए अन्न नहीं खाऊंगा, तब तो निपट जाएगा। बोले चलो आधा आज पढ़ लिया आधा कल पढ़ेंगे, तो आधा कल आधा नहीं डेढ़ हो जाएगा, फिर ये कर्ज तुम्हारे मत्थे से कभी नहीं उतरेगा। इसलिए संकल्पित स्वाध्याय होना चाहिए, संयम। छोटी छोटी सी बात पर हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। एक बाबू ऑफिस जाने वाला था, तैयार हो रहा था, थोड़ा लेट हो गया। बोले जल्दी चाय बनाओ जी, और चाय बनी। वो कपड़ा पहनते चाय आ गई, अब वो कपड़ा पहन रहा है, बटन लगा रहा है, कंघा कर रहा है,
ये सब कुछ करते कराते जब चाय पीने गया तो चाय कितने अच्छे हैं आप लोग, भुक्त भोगी हो ना, चाय ठंडी और जब ठंडी चाय मिली तो चाय पीने वाला गर्म, कमाल हो गया, चाय ठंडी पीने वाला गर्म, पटक दिया ठंडी चाय दे दिया, अरे प्यार से कह दो कि देवी जरा इसको गर्म कर दो, दोनों तरीके से हो सकता है, देवी इसको गर्म कर दो तुम्हें संतोष रहेगा, डांट कर बोलोगे तो हृदय तुम्हारा भी है ना, घंटों पछताते रहोगे अरे भाई मैंने डांट दिया, मैं इस बात को ऐसे भी तो कह सकता था, ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारा जीवन पश्चाताप से भर जाए। संयम, दाल में नमक पड़ गया ज्यादा, बोलो ना खाने वाला गर्म होता है कि नहीं, उधर बैठे हैं बोल दो, नहीं सुने गए, श्री राम जय राम।